मुंबई विच बारिश अते तूफान ने भयानक हालात पैदा कर दिते ने। हर पासे पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश ने पिछले 46 सालों के रिकॉर्ड नूं तोड़ दिता है। सड़कां नहरां दा रूप वट गईआं ने अते भारी बारिश दे ट्रैफिक दी रफ्तार भी घटा दिती है। तूफान कारण कई बिल्डिंगां दीआं छत्तां तक तबाह हो चुकीआं ने। इस मामले ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार नूं महाराष्ट्र दे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाल मुंबई दे आसपास दे इलाकिआं दी स्थिति बारे गल्लबात कीती। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद देण दा वी भरोसा जताया है। तेज मीह हनेरी नाल हालात यह हैं कि कई थाई दरख्त जड़ों उखड़ गए ने, जिस कारण कई दो पहिया वाहन भी इन दरख्तों हेठ दब गए ने। मुंबई के चुंबेर, परेल, हिंदमाता ते वडाला समेत कई इलाकों में पानी भर चुकया होया। पानी लोगों के घर दाखिल हो चुकया, जिस दियां तस्वीरां तुसी साफ वेख सकते हो। सड़कों पर पानी इन्ना ज़्यादा है कि गड्डियां भी डुब गई ने। इतों तक कि इन्ना ज़्यादा पानी भरया होने के कारण लोग अपनी गड्डियां नूं रस्ते विच छड़ के घर चले गए ने। दरअसल पानी कारण गड्डियां बंद हो चुकिया ने अते पानी की बहुतात कारण धक्के लिजाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। दूजे पासे रेलवे ट्रैक की गल करिए, रेलवे ट्रैकों उत्ते पानी भर जाण कारण कई लोकल ट्रेना फस गई ने। इस दौरान करीब 500 यात्रियों NDRF ते रेलवे दीआं टीमां वल्लों बचाया गया है। लोगों को कढ़ने लई रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भारी बारिश के चलदिआं निगरानी के हुक्म जारी किए हैं अते लोगों नूं घरों ना निकलण की एडवाइजरी जारी की है। मुंबई पुलिस ने भी लोगों नूं अपील की है कि बगैर जरूरी काम तो बाहर ना आया जाए। उधर भारतीय मौसम विज्ञानियों की मनीए तो मुंबई ते उसके आस पास के इलाकों में वीरवार भी भारी बारिश का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।